हेलो बंटा की पब्लिक, कैसे हो तुम लोग। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बात सुन लो, आज बंटा की पूरी एल्बम आने वाली है 12 बजे। तो मैं सोच रहा था कि एक एक करके सभी सॉन्ग ऑडियो पे मेरे चैनल पे डालूं, तो रोज 2 से 3 सॉन्ग ऑडियो में आएंगे। तो अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख लेना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर से हेलो बंटा की पब्लिक, कैसे हो तुम लोग। तो सुन लिया गाना, हो गए इमोशनल। ओ भाई, चलिए आज बात करते हैं एमवी बंटा के न्यू सॉन्ग के बारे में, जिसका नाम है मोमा। तो ये सॉन्ग एमवी बंटा ने बनाया है स्पेशली अपनी मम्मी के लिए। तो भाई, मैंने अभी अभी बैक टू बैक 4 से 5 बार पूरा सॉन्ग सुना, बैक टू बैक लूप पे, और मैं स्पीचलेस हूँ भाई। कुछ भी बोलने के लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे पास इस सॉन्ग के लिए। बंटा ने अपनी पूरी फीलिंग इस सॉन्ग में लगा दी है। सॉन्ग का जो हुक है वो आपको वाइब दे देता है, सॉन्ग की जो लिरिक्स है वो आपको फील देती है, इमोशनल कर देती है। तो बंटा क्या कहना चाहते हैं इस सॉन्ग में, लिरिक्स की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉन्ग की म्यूजिक की। तो म्यूजिक दिया है मीम मशीन ने, और मीम मशीन भाई, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप कैसा भी म्यूजिक हो, हार्ड म्यूजिक हो, आप कैसा भी म्यूजिक हो, चाहे हार्ड म्यूजिक हो, जैसा पिछले गाने में दिया था है तू कौन, इतना हार्ड म्यूजिक, इतनी हार्ड वाइब, चाहे चिल वाइब हो जैसे लोका के सॉन्ग में दी थी ओवा में, या फिर चाहे इमोशनल हो, एक नंबर म्यूजिक किल कर दिया। और सॉन्ग के शुरुआत में जो बीट चल रही थी, ओ भाई, वहाँ से ही मैं पूरा इमोशनल हो गया था। मैं नहीं, शायद सारे लोग इमोशनल हो गए वहाँ से ही। ओ भाई, क्या बीट थी, और उस पर जो बंटाई का जो चल रहा था पीछे, वो बहुत ही सही लग रहा था। तो म्यूजिक में मैं बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। तो अब बात करते हैं सॉन्ग के वीडियो की। तो सॉन्ग डायरेक्ट किया है स्वालिना ने, डायरेक्शन बहुत सही है, लोकेशन भी सही है, बट मेरे को एक खामी जो लगी कि अगर इसमें बंटा की मम्मी भी साथ होती, यानी कि आंटी जी भी साथ होते, तो बहुत ही सही रहता, एक अलग वाइब बन जाती सॉन्ग की, जो देखने में बहुत सही लगता। तो वीडियो में बस यही खामी लगी, बाकी वीडियो बहुत सही है, पैसा पूरा दिखाया गया है, और यह सच है, अभी तो बंटा पैसों में खेल रहा है, तो वीडियो से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक मुझे कमी लगी। आप बताओ आपको क्या लगा। तो अब बात करते हैं लिरिक्स की, मतलब अब क्या ही बोलूं, बंटा ने पूरे इमोशन को लिरिक्स में सामने डाल दिया है, पूरी तरह से सबको इमोशनल कर दिया है। तो सॉन्ग में यही बात की है जो बंटा के जो पहले के दिन थे, मतलब बंटा की मम्मी ने कहा पहले चूल्हे पे फिर रसोई करते थे, और गैस तक का पूरा सफ़र देखा है बंटा ने। तो ये मुझे बहुत सही लगा, जो बंटा ने जो फील किया है वो पूरा ही इस सॉन्ग के लिरिक्स में डाल दिया है। तो बंटा ने एक जगह पर बोला है कि मैं हार्ड नहीं हूँ माँ, तू हार्ड है। तो ये भी मुझे बहुत सही लगा, बिल्कुल मतलब दिल पे जाके लगा। और हम सबकी एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने पेरेंट्स को उनको जो चाहिए वो दिला सके, डायमंड रिंग्स, जो भी महंगी महंगी चीज़ है वो सारी। तो ये भी बंटा ने बताया है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चाहिए मैं सब लेके दे रहा हूँ। और बंटा ने यही बताया कि बस मुझे अपनी मम्मी को खुश रखना है, और ये बहुत ही सही है। तो सॉन्ग का जो हुक था वो भी बहुत सही था, एक सॉन्ग का अलग वाइब बन रहा था। और बीच बीच में जो बंटा के शो के क्लिप दिखाई गई है वो बहुत ही कूल लग रहे थे, बहुत ही सही लग रहे थे। वो दिखाते हैं कि बंटा जैसे ऊपर तक आया है। तो बंटा ने बोला कि मैं म्यूजिक इसीलिए बना रहा था ताकि मैं आपको खुश रख सकूँ। ये बात भी बहुत ही सही लगी मेरे को। तो ओवरऑल सॉन्ग में कुछ भी कमी नहीं है, ये सॉन्ग आपको इमोशनल कर ही देगा, और ये सॉन्ग सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर सकूँ, मैं भी उनको खुशहाल जिंदगी दे सकूँ, और एक अंदर तो अंदर से एक अलग जोश आएगा इस ये सॉन्ग सुनने के बाद। तो मैंने तो ये सॉन्ग पूरा फील किया, आप बताओ आपको सॉन्ग कैसा लगा नीचे कॉमेंट में। तो वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ड्रामा इज्जत पैसे कमा रहा मैं मामा, सबकी याद ले लिए, देखो चाहता तुझे खुश रोजाना। सगले स्मॉल ड्रामा इज्जत पैसे कमा रहा मैं मामा, सबकी याद ले लिए, देखो चाहता तुझे खुश रोजाना। ये ना माना कभी हार तूने, ये मैं नहीं मम्मा हार तू है।